असल डियर स्टूडेंट्स मैं हूं हिना शौकत आपकी केमिस्ट्री की टीचर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी का कंपैरिजन फॉर एल्कलाय मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे इनका कम्पेरिजन वन बाय वन तो चलिए इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए मूव करते हैं टुअर्ड्स व्हाइट बोर्ड साथ ही साथ हमने डिटेल में डिस्कस किया इसका इलेक्ट्रोपोजिटिव कैरेक्टर एंड कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एल्कलाई एंड एल्लाइन अर्थ मेटल्स और आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ एल्केलाइ एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल्स सो कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ एल्केलाइ एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर एल्केलाइ मेटल्स एंड व्हाट आर एल्कालाइन अर्थ मेटल्स व्हेन वी से एल्केलाइ सो एल्केलाइ मेटल्स आर फ्रॉम ग्रुप 1 और एल्कालाइन अर्थ मेटल्स होती हैं ग्रुप टू की मेटल्स और ग्रुप होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये है कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल अगर हम कुछ नामों की बात करें सो एल्क्राइन मेटल्स होंगी लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड एलक्राइन अर्थ मेटल्स होंगी मैग्नीशियम कैल्शियम एटसेट्रा सो डिस्कस करते हैं इनकी रिएक्टिविटी और इनकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन अब सबसे पहले हम जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपेयरेंस जी हाँ और हम कंपेयर करने वाले हैं तीन मेटल्स को सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अगर हम इन तीनों मेटल्स की टेबल में लोकेशन की बात करें सो ये प्रेजेंट है ग्रुप वन और ग्रुप टू में हम जानते हैं कि ग्रुप वन और ग्रुप टू टॉप पे शो किया जाता है और सोडियम होती है ग्रुप वन में सो सोडियम की पोजीशन कुछ यहां होगी और सोडियम के बिल्कुल एडजस्टन ग्रुप टू में है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बिल्कुल नीचे पोजीशन है कैल्शियम के पास और अगर बात करें इनके पीरियड नंबर की सो सोडियम और मैग्नीशियम ये प्रेजेंट है थर्ड पीरियड में और कैल्शियम है फोर्थ पीरियड में सो ये तो हुई इनकी लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल अब आप देख सकते हैं कि अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब हम अलोंग दी पीरियड प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं और अगर आप मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब आपको प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पता चल सकता है अलोंग दी ग्रुप। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट आर गोइंग टू डिस्कस इज अपीयरेंस अपीयरेंस मतलब कोई चीज ज़ाहरी तौर तो पर कैसे लगती है उसका कलर कैसा होगा उसकी हार्डनेस कैसी होगी और सोडियम इज अ सिल्वरी वाइट मेटल सिल्वरी वाइट इसका कलर है हैविंग अ मेटालिक लस्टर यानी कि चमकदार होती है एंड वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट मेटल है एंड कैन बी कट विद नाइफ हम जानते हैं कि सोडियम एक एक्सेप्शनल मेटल है बाकी सारी मेटल्स हार्ड होती हैं लेकिन जो ग्रुप वन ए की मेटल्स हैं ग्रुप वन की मेटल्स हैं एल्कलाई मेटल्स हैं ये होती हैं सॉफ्ट मेटल्स और इन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हैं अगर आप सोडियम मेटल को देखेंगे तो हो सकता है वो आपको सिल्वरी व्हाइट ना नजर आए बल्कि आपको थोड़ी सी ब्लैकिश नजर आए उसकी रीजन ये है कि उसकी आउटर लेयर जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ने एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है लेकिन अगर आप उसे नाइफ से कट करके अंदर से देखेंगे तो इट वुड बी वेरी ब्यूटिफुल शाइनी कलर शाइनी व्हाइट कलर नाउ इफ यू लुक एट मैग्नीशियम सो मैग्नीशियम भी है सिल्वरी और मैग्नीशियम भी है व्हाइट मगर डिफरेंस इज मैग्नीशियम इज हमने देखा कि सारी ही सिल्वरी मेटल्स है सिल्वर का मतलब है कि वो चीज शाइनी करेगी तो हम एक चीज को इंक्लूड कर सकते हैं कि सारी की सारी मेटल्स वो होती है शाइनी इन नेचर उनकी अपेयरेंस शाइनी होती है हार्डनेस में फर्क हो सकता है हार्डनेस में देर आर एक्सेप्शन लेकिन वेरी वेल एटम होता है न्यूट्रल आइन होता है जब उस पर चार्ज आता है आइन कु पॉजिटिव और नेगेटिव लेकिन अगर हम बात करते हैं मेटल्स की तो मेटल्स बनाती है पॉजिटिव आइंस मेटल्स का पॉजिटिव आयन बनता है क्योंकि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं सो व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उससे बनेगा पॉजिटिव आयन अब अगर आप देखें साइज के बारे में सो वन एटी सिक्स इज बेसिकली द साइज साइज एंड वन जीरो टू इज साइज दिस पी एम बेसिकली पी एम इज फॉर पीकोमीटर ये यूनिट होता है

और अगर आप कंपेयर करें एटम और आयन के साइज को तो यू कैन सी का साइज़ साइज़ आयन के से बड़ा है, बिकॉज़ दे फॉर्म कैट दे फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आइंस तो पॉजिटिवली चार्ज आइन बनने का मतलब है कि उनके मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं यानी कि न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है सो so,

तो अगर आप वाटर की डेंसिटी को जानते हैं तो वो है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक यूनिट है व्हिच इज यूज टू रिप्रेजेंट डेंसिटी नॉट लुक एट द डेंसिटी ऑफ सोडियम इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर 0.98 और अगर आप बात करें कि डेंसिटी होता क्या है तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी तो सोडियम की डेंसिटी है जीरो पॉइंट नाइन एट यानी वो पानी से हल्की है सो व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉप सोडियम मेटल इनटू वाटर सो वो फ्लोट करेगी वाटर में यानी वो पानी की सतह के ऊपर आएगी पानी की सरफेस से ऊपर आ जाएगी बट इफ यू लुक एट दी डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम वन पॉइंट सेवन फोर एज कम्पेयर टू वॉटर इट इज है एंड लुकेट कैल्शियम

So, you must answer it in terms of its density. You need to explain that because sodium's density is less than water. You can mention the exact density value as well. And then you can justify if something is less dense, so it is going to stay at the top or phir wo karegi, float. Let's move on to the next properties. So, next is, next property that we need to discuss is malleability. As we know that malleability means property. टू चेंज इट शेप यानी कि जब हम किसी चीज को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बायरिंग प्रेशर फोर्स अपलाई करके हम कहते हैं मैलिएबिलिटी सॉफ्ट मेटल्टीन इट वुड बी वेरी मैलिएबल यानी कि हाईली मेलियेबल और डकटाइल डिलिटी इज बेसिकली अनादर प्रॉपर्टी डक्टिलिटी आप इसे एक अलग हेडिंग के अंदर भी शो कर सकते हैं के एक प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी है और एक प्रॉपर्टी डक्टिलिटी है डक्टिलिटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी बाय यू कैन ड्रॉ द वायर्स ऑफ समथिंग यानी कि अ मेटल कुड बी ड्रॉन इनटू द वायर्स आप किसी मेटल को स्ट्रेच कर सकते हैं और स्ट्रेच करके उसकी वायर्स बना सकते हैं ये प्रॉपर्टी होती है उसकी डक्टिलिटी सो सोडियम सॉफ्ट मेटल है सो इट इज डक्टाइल एज वेल एज वी लुक एट मैग्नीशियम सो मैग्नीशियम इज ऑल्सो वेलिएबल एंड डक्टाइल एंड

इलेक्ट्रिसिटी की भी यानी कि कंडक्शन हो सकती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीजों की। नाउ सोडियम इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मैग्नीम गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सो ऐसी प्रॉपर्टीज में हम ट्रेंड्स पे फोकस नहीं करेंगे बस हमें यह पता होना चाहिए कि मेटल्स कंडक्टर होती हैं अच्छी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की सो so, तीनों मेटल्स हैं और तीनों ये प्रॉपर्टीज शो करती हैं नेक्स्ट इज एम पी एम पी मतलब दिस इज मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड टर्न इन टू लिक्विड एंड वी नो दैट दिस मेटल मेटल्स आर मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट इज ओनली वन एक्सेप्शन विच इज मरकरी सो मेटल्स का होगा कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 98 डिग्री सेल्सियस जो कि लेस देन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से अब ये शो करता है कि सोडियम को मेल्ट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है बट लुक एट मैग्नीशियम देयर इज अ हाई जंप इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स 97 से 649 पे चूंकि सोडियम होती है सॉफ्ट और मैग्नीशियम है हार्ड सो so, इस सॉफ्ट और हार्ड होने के डिफरेंस की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है और ये हम सोडियम को एज़ एक्सेप्शनल मेटल भी शो करते हैं इन मेल्टिंग पॉइंट के यूजुअली ऑल द मेटल्स दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट ग्रुप वन मेटल्स जो के हैं एल्केलाइन मेटल्स और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है हमारे पास सोडियम इसी तरह अगर आप देखें कैल्शियम की तरफ तो कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट इससे भी हायर है एट थर्टी नाइन यानी कि इसे मेल्ट करना तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है सो so ये तो वही हुआबिलिटी कंडिटी एंड मेल्टिंग प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट दिस बी पी स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जिसपे मेटल शिफ्ट हो जाएगी यानी कि उसके लिक्विड फॉर्म शिफ्ट हो जाएगी इनटू गैस फॉर्म यानी कि वो बॉइल करना स्टार्ट करेगी और सारी की सारी मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं एज यू कैन सी डिग्री सेल्सियस फॉर सोडियम अगर आप कंपेयर करें इसे वाटर के साथ तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है जस्ट वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सो एज कंपेयर टू वाटर ये बहुत हाई है वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ही बहुत ज्यादा हीट होती है सो एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स सारी की सारी मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं एज यू कैन सी मैग्नीशियम इज हैविंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1105 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्शियम इज हैविंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1494 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड इफ यू कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम एज वी नो दैट जियम दे आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड एंड कैल्शियम इज प्रेजेंट इन दी नेक्स्ट पीरियड ये होती है यूनिट टू रिप्रेजेंट आयोनाइेशन एनर्जी किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन इफिनिटी को भी हम इसी यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं फोर नाइन एंड इफ यू लुक एट दैगनीजियम तो आप देखेंगे मैग्नीजियम के साथ तो दो वैल्यूज गिवन है

एक इलेक्ट्रॉन निकलने से सिर्फ एक ही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और ओनली वन आयोनाइजेशन एनर्जी नाउ इफ यू कमर एनर्जी एनर्जी सो दिस इज फोर नाइनटी सिक्स एट एंड फाइव नाइनटी नाउ इफ यू कंपेयर देशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम यू कैन सी दैट फोर नाइनटी सिक्स से गई वो सेवन थर्टी एट पे हम कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और इसकी रीजन ये है कि साइज डिक्रीज करता है नाउ इफ यू कंपेयर अलोंग द ग्रुप ग्रुप 2 सो 738 से हो गई है वो 590 738 और 590 यानी कि डिक्रीज हुई है अलोंग द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी आईई भी से लिख सकते हैं ये हुई है डिक्रीज और वो डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि अलॉन्ग दी ग्रुप साइज इंक्रीज करता है साइज इंक्रीज करेगा तो ऑटोमोस्ट तो तो को निकालना आसान होगा एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर इसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों होती है क्योंकि सेकेंड आयन सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होता है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज फ्लेम इन एयर ये मेटल्स जब बर्न करेंगी तो इनके फ्लेम का कलर डिफरेंट होगा फ्लेम का कलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको एमसी क्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कौन सी मेटल कौन सा फ्लेम देती है सोडियम देती है गोल्डन येलो फ्लेम और सोडियम येलो लैंप्स में भी यूज होती है मैग्नीशियम देती है ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम ये बहुत ही खूबसूरत फ्लेम होता है जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो एक बहुत ही ब्राइट लाइट स्पार्कलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम देती है ब्रिक रेड कलर यानी कि जब हम उसे हीट करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर वो बर्न करके देगी ब्रिक रेड कलर सो so, हमने डिस्कस की है सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और हमने इनका कंपैरिजन भी अच्छे से समझा है और हमने इस लेक्चर में जिन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है वो प्रॉपर्टीज हैं सबसे पहले हमने डिस्कस किया अपेयरेंस को देन अटोमिक साइज आयनिक साइज डेंसिटी मैलिबिलिटी और हमने देखा के साथ डक्टिलिटी भी हो सकती है कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी एंड देयर कलर यानी कि उनके फ्लेम का कलर इन एयर नाउ अगर हम इनके वैलेंस शेल की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो एल्काईन मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लास्ट शेल की होती है एनएस वन और अगर हम बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एनएस टू यानी कि इनके मोस्ट शेल में होगा वन इलेक्ट्रॉन और इनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं सो so स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने समझा है एक टेबल फ्रॉम योर बुक और उस टेबल में थी प्रॉपर्टीज और कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज बिटवीन सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हमने वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है और साथ ही साथ उनकी रीजन को भी समझने की कोशिश की है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा हम अपने आने वाले लेक्चर में केमिकल रिएक्टिविटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज